हेलो फ्रेंड, राम राम जी, जय माता दी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। मेरे यूट्यूब फैमिली किस तरह जी? अज मैं फिर लैके आई हूँ न्यू ब्लॉग तुहाडे वास्ते फ्रेंड। तो मैं लै आई हूँ अज ब्लॉग अचार दे स्ट्रेटिक। अजकल अंब चल रहे ने, अचार बना रहे लोग। तुसीं बनाया कि नहीं बनाया? किन्ने किन्ने बना लिया अचार फ्रेंड? जिन्हें नहीं बनाया वह भी कमेंट करना, जिन्होंने बना लिया वह भी कमेंट करना। हाँ जी, कहड़े कहड़े अचार बनाए ने दसना जरूर। तो मैं फ्रेंड बहुत वधिया अचार बना लैनी हाँ, जे किसी ने बनवाना हो तो मेरे को जरूर बनवा सकते हो तुसी फ्रेंड। ते जिस तरह कि अंब का अचार, मिर्चा का अचार, नींबू का अचार, खट्टा मिठा नींबू का अचार, तो मिठिया खट्टिया मिठिया मिर्चा का अचार, तो होर गोभी गाजर शलगम का अचार बना लैनी हाँ, जिमीकंद का अचार बना लैनी हाँ। ये सारे मैं काफ़ी सारे अचार बना लैनी हाँ। जे तुहानू बनवाना होवे रोज़ाना रूटीन जरूर संपर्क करना फ्रेंड, कमेंट कर देना तो मैं तुसी समान लैके आ जाना, फिर मैं तुहानू दस दांगी कि इदा तुहाडा इन्ना अचार समान लगेगा। जरूर तुसी मैनू संपर्क करना, जिन्हें भी अचार नहीं अजे तक बनाया, जिन्हें ने बनाना, क्योंकि मेरे हाथ का अचार खराब नहीं हुंदा फ्रेंड। जिन्ने साल तुसी मर्जी रख लो, वधिया रहिंदा ते स्वाद लगता है अचार। जिस तरह कि आपने कभी किसी टाइम रोटी नाल सब्जी नहीं होंगी या दाल हैगी, दाल नाल अचार खाधा जाता है, तो मैं तो बहुत स्वाद लगता, दाल नाल अचार भी स्वाद लगता, तो परौंठी नाल भी अचार स्वाद लगता है। तो करके मैं तो बहुत वधिया लगता। मैं कहने सब के घर अचार हो, सब बच्चों के फेवरेट है अचार। दसना तुसी कड़ा कड़ा अचार खाया या कड़ा नहीं खाया। होर तो मैं फ्रेंड जानकारी देनी हाँ कि मैं चटनी भी बना लैनी हाँ, कच्चे अंबों की चटनी, जिस तरह की खट्टी मिठी चटनी। अजे तो अंब बहुत है कच्चे अंबों का, जिस तरह कि मुरब्बा बना लैनी हाँ, पापड़ बना लैनी हाँ, नींबू का मिठा अचार बना लैनी हाँ, तो काफ़ी कुछ जिस तरह कि एप्पल की चटनी भी बना लैनी हाँ। मैं सारा कुछ कई चीज़ा बना लैन, जो किसी भी कुछ चाहिए, करेले का अचार भी बना लैनी हाँ फ्रेंड। मैं तो बहुत वधिया वधिया अचार बनानी हाँ, तो खराब नहीं होंगे फ्रेंड, जेडे वधिया रहिंदे हैगे। कई साल तक तुसी रखी रखोगे तो फिर भी खराब नहीं होणगे फ्रेंड। इस करके मैं क्या चलो तुहानू दसा, जिन्होंने अचार चाहिए और रोज़ाना रूटीन में कमेंट करके दसना, तो समान लैके आना तुसी, मैं बना दाँगी तुहानू। हाँ जी, मैं जिस तरह कि अचार का रेट है, मैं अंब का अचार 5 किलो पाँदी हाँ 100 रुपये का, तो बाकी नींबू का अचार हो गया, गोभी गाजर का हो गया। ये नींबू का अचार तो वैसे गैस पर नहीं बनता है, तो इस तरह ही बनता है, ये भी खट्टा मिठा होंगे। जिस तरह कि ये भी फिर ये हो जाएगा 50 रुपये का किलो। तो गाजर गोभी का अचार जिस तरह की होंगे, शलगम का अचार, ये गैस पर बनता है, फिर ये भी 50 रुपये किलो होएगा फ्रेंड। बाकी तुसी देख लेना, जिहड़ा भी तुसी अचार बनवाना होएगा, चटनी बनवानी होएगी, चटनी भी बन जाती है, चटनी भी गैस पर बनती है, वह भी 50 रुपये, वह भी रेट 50 रुपये होएगा फ्रेंड। जिन्हें भी किसी ने बनवाना होएगा रोज़ाना रूटीन संपर्क करना, कमेंट करना, तो अपना समान तुसी लैके आ जाना, मैं तुहानू अचार बना दाँगी फ्रेंड। हाँ जी, होर फ्रेंड तुसी अपने नीयर एंड डीयर नाल मेरी वीडियो शेयर करो, तो सारिआं नू पता लगे कि असी अचार बनाने हाँ, तो जिन्हां नू भी चाहिए होएगा वो लैके साडे घर समान तुसी आ जाना, तो असी बना दाँगे। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया होएगा, तुसी मेरी वीडियो नीयर एंड डीयर नाल शेयर करोगे, अपने दोस्तों नू दसोगे, जिन्हां नू भी अचार बनवाना हैगा असी बना के देवांगे। बहुत वधिया 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 अचार होंदे, बट मैनू तो बहुत पसंद है, मेरी बेटी नू भी बहुत पसंद है अचार। अस तो अचार बिना, जिस तरह कि हुण गर्मियां गर्मियां विच तां दाल दे बिना, दाल नाल खाने ना, जिस तरह कि जरूर अचार चाहिए हैगा, तो असी जरूर बना के रखते हैं। हर एक अचार साढ़े घर मिलेगा तुहानू, नींबू का अचार भी मिलेगा, नींबू का एक वधिया अचार, खट्टा मिठा अचार मैं जरूर बना के रखती, मेरी भी फेवरेट हैगा नींबू का अचार भी। वैसे भी वधिया हुंदा, अजवाइन वाला हुंदा, ये जिस तरह कि अपने पेट दर्द हो रहा है या कुछ है, फिर ये बहुत अच्छा हुंदा खाना, थोड़ा जा खा लो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो नींबू का अचार जिवें कि परौंठी नाल, पूड़ी नाल, सब नाल खाधा जाता, बहुत टेस्टी लगता। जिस तरह कि आप कोई सफ़र पर जा रहे हैं, आप रस्ते दे विच सब्जी नहीं भी ले जा सकते, गर्मी बहुत है, जिस तरह कि सब्जी खराब हो जाती है, फिर आप अचार ले जा सकते हैं। नींबू का अचार हो गया, मिर्चा का, मोटिया मिर्चा, जिस तरह कि लाल मिर्चा आदि, उन्हों का भी मैं अचार पा लें, खट्टा मिठा अचार, राई वाली मिर्चा का भी अचार पा लें फ्रेंड। बहुत तरह का मैं अचार पा लें, जिस तरह भी तुसी चाहोगे। रोज़ाना रूटीन में कमेंट करना, तो असी जरूर तुहानू अचार पा के देवांगे। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया होएगा फ्रेंड, तुसी मेरे नाल संपर्क करोगे तो मैं तुहानू अचार बना के देवांगी। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਚਾਰ ਬਣਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਉ, ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਚਾਰ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਆਮ ਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹਨ, ਅਦਰਕ ਦਾ ਅਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਸਣ ਦਾ ਅਚਾਰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਲਸਣ ਦਾ ਅਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲਸਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਸਣ ਦਾ ਅਚਾਰ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਚਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਰੈਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਫਰੈਂਡ। ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਕਿੱਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰੈਂਡ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ।